सभी दोस्तों को नमस्कार। और कैसे हैं सभी दोस्त? तो दोस्तों, आज एक वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन दवाई है ये फ्लैजिल दोस्त MG। आप सभी दोस्त देख सकते हैं, ये फ्लैजिल दोस्त MG की टैबलेट है। और दोस्तों, ये जो टैबलेट है, ये कबूतर को जो गले में कपास हो जाती है या एक सफ़ेद सी उसके अंदर गले के अंदर गांठ बन जाती है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये दवाई है, बहुत ही सुपर इलाज है ये। और हमारा आजमाया हुआ है, रिजल्ट की बात करें तो 2 या 3 दिन के अंदर आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो इसका जो कोर्स है वो पूरे 5 दिन का है, 5 दिन ये दवाई देनी ही देनी होती है, बाकी 2 या 3 दिन में आपको 100% रिजल्ट मिल जाता है। तो बात करेंगे इसको देने का क्या तरीका है। इसको जो देने का तरीका है वो ये है कि ये जो दवाई है फ्रेजिल 200 MG, ये आपको 200 MG ही लेनी है। इसमें 400 MG भी आती है, पर आपको 200 MG ही लेनी है। ये देख लीजिए, और ये पीछे से है। तो आपको ये जो दवाई है इसका पाउडर बना लेना है, इसको पीस कर इसका पाउडर बना लो। जिस भी कबूतर के गले के अंदर कपास हो गई है या सफ़ेद जमा हुआ, उसी को कपास बोलते हैं, और या फिर एक गांठ सी बन जाती है, जैसे कि कैंकर भी बोल देते हैं लोग, कैंकर टाइप की गांठ बन जाती है, तो जिस भी कबूतर को वो बीमारी है, आप इसका पाउडर बना कर एक चुटकी ऐसे उठानी है, एक चुटकी पाउडर उस कबूतर का मुंह खोलकर उसमें डाल दें, एक चुटकी पाउडर। ऊपर से पानी नहीं देना है, कम से कम 1 घंटे तक उस कबूतर को पानी नहीं पिलाना है, और सुबह देनी है 1 चुटकी और शाम को देनी है 1 चुटकी। लगातार 5 दिन ऐसे ही ये कोर्स करना है। आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत से लोग जो हैं, जो वो अंदर कपास हो जाती है या कैंकर हो जाता है, तो उसको किसी कबूतर के पंख के सहारे से या कोई लकड़ी के सहारे से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और होता क्या है, उसे निकालने के चक्कर में उस कबूतर को और ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है, और उस दौरान में फिर वो कबूतर मर चुका होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छेड़ना नहीं है उसको, बस सीधा ये उस दवाई का पाउडर बनाओ और उस कबूतर के मुंह में डाल दो। कबूतर आपका 5 दिन अगर आपने वो दवाई दे दी, दोबारा कभी जल्दी से वो कपास की बीमारी उस कबूतर को नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन दवाई है और बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। सभी दोस्तों को नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। और अभी एक जो सर्दियों में गर्म पानी है उसकी वीडियो भी हम बनाएंगे, जल्दी बनाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली आपको सभी के पास टाइम से पहुंच जाए।